डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर आर अनुरिया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावटी, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कंट्रोल का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने कल के लेक्चर में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पढ़ाया था, जिसमें ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये आपने पढ़ा था। 5 प्रकार का क्लासिफिकेशन आपने मेरे कल के लेक्चर में समझा था। आज हम उससे अगली बात आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वो है ऊपरी व्ययों का बंटन व वितरण, अर्थात एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो हमें यहाँ समझना है कि ये क्या टर्म्स हैं। तो इस चैप्टर में मैंने लिखा है सबसे पहले आपको एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, अर्थात ऊपरी व्ययों का बंटन। यदि कोई ओवरहेड स्पष्ट रूप से किसी डिपार्टमेंट से स्पष्ट रूप से संबंधित है, और तो वह ओवरहेड उसी डिपार्टमेंट में हमें लिखना होता है। हम उस प्रक्रिया को लागत लेखों में एलोकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी कंपनी के 3 डिपार्टमेंट हैं। एक्स डिपार्टमेंट में कंपनी सीलिंग फैन बनाती है, डिपार्टमेंट वाई में ट्यूबलाइट्स बनाती है, और डिपार्टमेंट जेड में हमारी कंपनी कूलर्स बनाती है। तो जो खर्चे सीलिंग फैन से संबंधित हैं वो डिपार्टमेंट एक्स में लिखने होंगे। जो ऊपरी व्यय आपके हमारे ट्यूबलाइट्स डिपार्टमेंट से संबंधित हैं वाई डिपार्टमेंट की, आपको वहाँ लिखनी होंगी। और जो खर्चे कूलर्स डिपार्टमेंट से संबंधित हैं जेड डिपार्टमेंट से, वो सभी ओवरहेड आपको जेड में लिखनी होंगी। तो कोई भी ओवरहेड अगर आपको लगता है कि स्पष्ट रूप से ये एक्स डिपार्टमेंट का है या वाई डिपार्टमेंट का है या जेड डिपार्टमेंट का है, सीधे शब्दों में कहें कि स्पष्ट रूप से कोई भी ऊपरी व्यय किसी विशेष विभाग से संबंधित है, तो वह है खर्चा उसी विभाग में आपको लिखना होता है। लागत लेखों में इस प्रक्रिया को हम एलोकेशन ऑफ ओवरहेड के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से किसी एक विभाग के नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्स के भी हैं, वाई के भी हैं, जेड के भी हैं, सभी डिपार्टमेंट से लगे हैं, सामूहिक रूप से लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें दूसरी टर्म आती है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, अर्थात ऊपरी व्ययों का वितरण। ऊपरी व्यय का वितरण भी कहते हैं इनको, ऊपरी व्यय का अनुभाजन भी कहते हैं, कि हम इन ऊपरी व्यय को कैसे बांटें। तो हमारे ऐसे सभी ऊपरी व्यय जो सामूहिक रूप से सभी विभागों में खर्च हुए हैं, उनको हमें एक उचित आधार पर बांटना होता है। तो आधार क्या हो वो हमें समझना होता है। तो एक आधार, जिसमें मैंने आपके सामने लिखा है, सेवा अथवा उपयोग विधि, सर्विस और यूज मेथड। अर्थात इस विधि में प्रत्येक विभाग द्वारा प्राप्त लाभ या प्रत्येक विभाग द्वारा प्राप्त सेवा के आधार पर ऊपरी व्ययों का वितरण किया जाता है। यदि कोई सेवा एक ही विभाग को प्राप्त हुई हो, तो सेवा का समस्त व्यय उसी विभाग को हम चार्ज कर देते हैं, उसको अन्य विभागों में फिर नहीं लिखेंगे। यदि किसी सेवा का लाभ कई विभागों को प्राप्त हुआ है, तो उस खर्चे को हम सभी विभागों में किसी उचित आधार पर बांटेंगे, जिस अनुपात में या जिस आधार पर उसने सेवाएं प्राप्त की हैं। तो सेवा या उपयोग विधि में हमें खर्चे को प्राप्त सेवाओं या उनके द्वारा विभागों के द्वारा उपयोग की गई संख्या के आधार पर हम इन ऊपरी व्ययों को बांट के दिखाते हैं। तो कुछ आधार मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला रखा मैंने संपत्ति मूल्यांकन आधार, अर्थात वैल्यू ऑफ एसेट्स मेथड। ये आधार विशेषकर उन ऊपरी व्ययों के वितरण के लिए अपनाया जाता है जिनका संबंध संपत्ति के मूल्य से है, या जिनकी गणना संपत्ति के मूल्यों के आधार पर की जाती है। जैसे अग्नि बीमा प्रीमियम का भुगतान संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर हम करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से कोई बीमा हमने करा रखी है, बीमा प्रीमियम है, तो भी हम वैल्यू ऑफ असेट्स के आधार पर करेंगे। तो जो खर्चे वैल्यू ऑफ असेट्स के ऊपर बेसिस हैं, वो सभी ऊपरी व्यय इस अनुपात में आपको बांटने हैं, जिसमें एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट, जो मशीनें लगी हुई हैं उनके मूल्य के आधार पर, जो संपत्ति है उनके मूल्य के आधार पर आप बांट के दिखा सकते हैं। दूसरा है एरिया बेसिस, घेरे गए क्षेत्रफल का आधार। घेरे गए क्षेत्रफल का अर्थ विभिन्न विभागों द्वारा भवन के घेरे गए हिस्से से हैं, अर्थात वो एरिया ऑक्यूपाइड से है। इस आधार के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है, तथा ऐसे व्यय जो क्षेत्रफल से अधिक प्रभावित होते हैं, उन सभी व्ययों को क्षेत्रफल के अनुपात में हम बांट कर दिखाते हैं। जैसे भवन का किराया है, चौकीदारों की मजदूरी है, भवन की मरम्मत है, भवन की साफ सफाई है, ऐसे खर्चे हैं जो हम घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में बांटकर दिखा सकते हैं। कर्मचारियों की संख्या का आधार, नंबर ऑफ इम्प्लॉयज। ऐसे ऊपरी व्यय जो कर्मचारियों की संख्या के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं,
उनको हम कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बांट देते हैं, जैसे श्रम विभाग के खर्चे, श्रम कल्याण विभाग के खर्चे, श्रमिकों के कैंटीन के खर्चे, वेतन विभाग के ऊपरी व्यय, पुस्तकालय, क्लब, चिकित्सालय आदि के जो व्यय होते हैं वो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर हम बांट देते हैं। मशीन के कार्य घंटों का आधार, बहुत से खर्चे हमारे ऐसे हैं जो मशीनों से संबंधित होते हैं, अर्थात हमारे डिपार्टमेंट में जो मशीनें चल रही हैं उनसे संबंधित खर्चे हो सकते हैं, तो हम उनको मशीन के कार्य घंटों के आधार पर बांटकर दिखा सकते हैं। जैसे मशीन पर काम करने वाला फोरमैन, मशीन का मूल्यह्रास, मशीन की रिपेयर, मशीन की डेप्रिसिएशन, ऐसे खर्चे हैं जो मशीन के कार्य घंटों के आधार पर आप बांट के दिखा सकते हैं। प्रत्यक्ष श्रम घंटे, ये भी अनुपात हम यूज कर सकते हैं। ऐसे वे जो श्रमिकों की देख रेख से संबंधित हैं, अर्थात श्रमिकों के सुपरविजन, फोरमैन से संबंधित हैं, हम इनको श्रमिकों के प्रत्यक्ष घंटे के आधार पर भी बांट के दिखा सकते हैं। किलोवाट घंटे, हमारी मशीनें कितने हॉर्स पावर की हैं और वो कितने घंटे चली हैं, तो उनको हम किलोवाट घंटे के अनुपात में मशीन का पावर का खर्चा बांट कर दिखा सकते हैं। विद्युत पॉइंट्स, लाइटिंग का जो खर्चा है हमारी कंपनी में, कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो हम लाइट के खर्चे को लाइट पॉइंट्स के अनुपात में बांट कर दिखा सकते हैं। ये उचित आधार हमारा बन सकता है। इसके अलावा अन्य सूचनाएं कोई हो आपके पास, आपको लगता है कि ये खर्चा इस आधार पर बढ़िया बन सकता है, तो हम अन्य उचित आधार भी यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सेवा या उपयोग विधि में जो मैंने आधार बताए हैं, इन आधारों में जो खर्चा सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, जिस उचित आधार पर बन सकता है, हमें उसको बांट देना है। दूसरा मतलब सर्वेक्षण विधि। इस विधि में हम ये देखते हैं कि प्रत्येक विभाग में कितना कितना उपयोग जो है हमने किया है और कितना कितना खर्चा किसी विभाग में आना चाहिए। तो एक सर्वे के द्वारा हम हमारे सभी ऊपरी व्ययों को अलग अलग विभागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए हमने सर्वे किया, पता लगा कि 40% ओवरहेड डिपार्टमेंट एक्स के हैं, 35% ओवरहेड डिपार्टमेंट वाई के हैं, 25% डिपार्टमेंट जेड के हैं, तो हम हमारे इस परसेंटेज के अनुपात में इन खर्चों को बांटकर दिखा सकते हैं। एक अनुपात बनता है हमारे भुगतान करने की क्षमता का आधार। इस विधि के अनुसार ऊपरी व्यय का वितरण विभिन्न विभागों में भुगतान करने की क्षमता का आधार, अर्थात इस विधि के अनुसार ऊपरी व्यय का वितरण विभिन्न विभागों में सेवा या उपयोगिता प्राप्त करने की दर पर न करके उनके भुगतान करने की क्या क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर हम जो है उनको वितरित कर देते हैं। अर्थात विभिन्न विभागों में बिक्री है, लाभ आदि के अनुपात में हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये था हमारा भुगतान करने की क्षमता का आधार। तो और अब आता है अगली जो पॉइंट, आपने जो पढ़ा कि दो बेसिक पॉइंट, एलोकेशन अपॉर्चमेंट, तो इनमें हमें अंतर आना भी जरूरी है। कई बार हम कन्फ्यूज होते हैं कि बंटन है या वितरण है, तो आपको ऊपरी व्यय का बंटन और वितरण में डिफरेंस क्या है ये पता होना भी बहुत जरूरी है। इनमें दो बेसिक डिफरेंस हैं जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, बंटन और वितरण, दो शब्द हैं, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। इनमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है, जब किसी एक विभाग अथवा लागत केंद्र में किसी मद की पूर्ण राशि ज्ञात की जाती है तो वह बंटन कहलाता है, परंतु यह राशि एक से अधिक विभागों को चार्ज की जाती है तो यह वितरण कहलाता है। अर्थात कोई भी खर्चा स्पष्ट रूप से किसी एक विभाग का है तो बंटन, और अगर वो खर्चा सभी विभागों का है और आपको बांटना पड़े तो वो कहलाता है वितरण। दूसरा अंतर है, विभिन्न विभागों में ऊपरी व्यय के वितरण के लिए एक उचित आधार की आवश्यकता होती है। आपको जब वितरण करना पड़ेगा तो कोई न कोई एक आधार आपको यूज करना होगा, एक आधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन बंटन में हमें किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो बेसिक डिफरेंस है जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखने हैं। अगर कोई खर्चा हमें किसी एक ही विभाग का है तो बंटन, कई विभागों का है तो और बांटना पड़े तो वितरण, वितरण में हमें एक आधार की जरूरत पड़ती है, बंटन में हमें किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था ओवरहेड का, जो मैंने आपको बताया ऊपरी व्यय का बंटन और वितरण। स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में सबसे पहले आपने पढ़ा था ऊपरी व्ययों का वितरण, अर्थात ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण। मैंने मेरे सेकंड लेक्चर में आज आपको पढ़ाया है ऊपरी व्यय का बंटन व वितरण। तो हम क्या काम करेंगे कि एक स्टेटमेंट बनाएंगे, इसमें स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें हम कुछ कॉलम बनाते हैं, जितने डिपार्टमेंट, जैसे हमारे पास 5 डिपार्टमेंट हैं, एक एक्स डिपार्टमेंट, एक वाई, एक जेड, ये तीनों हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं आपके एम और एन, दो कॉलम हम एम और एन के बना लेंगे, तो अमाउंट के 5 कॉलम होगी। जो खर्चा आप बांटना पड़े उसके लिए एक कॉलम आप बनाएंगे बेसिस का, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। तो ये हमारा
कॉलम हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम हमारा रहेगा रहेगा, तो खर्चों कैसे बांटे ये हमें एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उत्पादन विभागों के खर्चों को का योग करेंगे, फिर हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों का योग कर लेंगे। फिर अगर आपको कोई सूचना दी जाए कि सर्विस डिपार्टमेंट्स ने उत्पादन विभागों की सेवाएं किस अनुपात में दी, तो सर्विस डिपार्टमेंट के सभी खर्चे हम पुनः रीअलोकेट कर देंगे उत्पादन विभागों में, और इस प्रकार से हम उत्पादन विभाग एक्स वाई जेड जितने भी हैं उनके टोटल ओवरहेड्स याद कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स, आपको ओवरहेड्स का वर्गीकरण करना है, उनका बंटन करना है, वितरण करना है, और सर्विस डिपार्टमेंट्स में जो ओवरहेड आएंगे उनको रीअलोकेट कर देना है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स में, और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स का योग हमें निकालना होता है। ये योग निकालने के पश्चात हम अगली क्रिया में आते हैं, और वो होती है ऊपरी व्यय का अनुभाजन। तो वो मैं मेरे अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हम कैसे करें, क्या मेथड अपनाएं। तो अगला जो लेक्चर है वो आप समझना, जो है वो आएगा अपोर्शनमेंट के अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के नाम से आएगा। तो आपने मेरा आज का व्याख्यान ध्यान से सुना, आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और मेरे अलग अलग वीडियोस जो आपने कोर्स काउंटर्स में पढ़ रहे हैं इनको वॉच करते रहें। कल का वीडियो हमारा होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के नाम से। आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।